हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वास्तु की इस बुक को, जिसका नाम है द एंशियंट साइंस ऑफ वास्तु। और रिसेंटली जो है अभी मैंने इस बुक को कंप्लीट करा है, और ये बुक जो है पूरी तरीके से विश्वकर्मा प्रकाश का जो है वो ट्रांसलेशन है। और बेसिकली विश्वकर्मा प्रकाश जो पूरी तरीके से संस्कृत और हिंदी में बुक है, तो उसको जो है काफी इजी वे में जो है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको खत्म करके जो है इस बुक में जो है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बेसिकली संस्कृत के श्लोक है और उसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करा हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा कि कितना जो है ये बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती है, क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें जो आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगी अपने एक्सपीरियंस से। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तु की ये जो बुक है ना, बेसिकली अगर आपको वास्तु के बारे में अगर बेसिक नहीं पता है तो कहीं ना कहीं ये जो बुक है काफी सारा पार्ट जो आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। लेकिन अगर वास्तु के बारे में आपको काफी सारे बेसिक्स आपको ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है तो ये बुक आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। और अगर आपको वास्तु के सारे बेसिक्स पहले से ही पता है और उसके बाद भी अगर इस बुक को पढ़ते हो और पूरी बुक आपको समझ में आ जाए, ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे एलिमेंट है जिसमें कि नक्षत्र और एस्ट्रोलॉजी की बात इसमें हो रखी है, क्योंकि वास्तु जो है इनकम्प्लीट है एस्ट्रोलॉजी के बिना, और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो बहुत सारे इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि एस्ट्रोलॉजी से काफी हद तक जो है वो मैच होंगे, तो वहां पर जो आप उलझ सकते हैं अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। फिर बात करते हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो जब आप किसी भी लैंड को परचेज करते हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए अकॉर्डिंग वास्तु, तो वो जो है आपको इसमें सीखने के लिए मिल जाएगा। फिर पुराने टाइम पे टेंपल को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो किया जाता था जब टाउन प्लानिंग होती थी पुराने टाइम पे, तो वो भी जो है इसमें बता रखा है। और जब आप वास्तु में डोर को जब आप डिजाइन करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, फिर इसी के साथ साथ ही जो ऑस्पिशियस जो टाइम है जो मुहूर्त है आपका उसके जब आप करते हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट इसमें जो है आपको बता रखा है। फिर इसमें डिफरेंट टाइप की जो लकड़ियां होती हैं उसके बारे में बताया है कि किसको कौन सी लकड़ी का यूज करना चाहिए और किसको नहीं यूज करना चाहिए, और कौन सी लकड़ी जो घर के लिए बेनिफिशियल है, उसके जो भी रूल्स है वो आपको इसमें आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। फिर पुराने टाइम पे जो किले बनते थे ना राजस्थान में, जैसे हम देखो बहुत सारे फोर्ट्स हैं, तो उसके पीछे डिजाइन करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके भी कुछ रूल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और बेसिकली इस बुक का जो प्राइस है वो 681 है, तो आपको अमेजोन पे ये 600 समथिंग के अराउंड ये मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पे परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको परचेस करने से पहले आप ध्यान में रख लीजिए इस बात को कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा एकदम वाओ कि कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट मेरे को पता चला। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपके सर के ऊपर जाएंगे। और देखिए तो हर बुक में होता है कि जो भी बुक आप पढ़ते हैं तो सारी चीजें आपके काम क्यों ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर मान लिया 20-25-30% भी चीजें अगर आपके काम की उसमें से मिल रही है तो मेरे को लगता है कि वो बुक को परचेस करना आपके लिए सक्सेसफुल है। तो दोस्तों ये अपना जो एक्सपीरियंस है इस बुक को लेकर कि ये मैंने आपको बता दिया। अब इस बुक को परचेस करना है या फिर नहीं करना है वो आपके ऊपर है, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।